दोस्तों नागालैंड नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? यहाँ का खूबसूरत सा नेचर, यहाँ का ट्राइब्स, यहाँ का खाना पीना या कुछ और? आपके दिमाग में जो भी आता है उसको विजुअलाइज करने का टाइम अब आ गया है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियल नागालैंड। तो देखते रहिए मेरे साथ द होल नागालैंड सीरीज वाई नागालैंड। दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन हमारा हो गया है और अभी कुछ देर में हमारा फ्लाइट है। फ्लाइट एक्चुअली 30 मिनट्स डिले है। एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड अगर आप विजिट करना चाहते हो तो उस स्टेट को जाने के लिए आपको एक इडन लाइन परमिट या ILP ज़रूरत पड़ सकता है। जैसा एक मेरे केस में, मैं जैसे अब जा रहा हूँ नागालैंड, तो इसलिए मुझको क्या करना पड़ा, मैं नज़दीकी एक नागालैंड हाउस गया कोलकाता पे और वहाँ पे जाके मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ा कि मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में विज़िट करना चाहता हूँ। तो फिर 7 दिन का मुझे परमिट मिला है और अगर मैं वहाँ पे 10 दिन या 12 दिन रुकना चाहता हूँ फिर मुझे वो एक्सटेंड करना पड़ेगा नज़दीकी कोई DC ऑफिस है। और अगर आप लेके नहीं जाते हो ILP, अगर आप लेके नहीं जाते हो तो डीमापुर में उतरने के बाद कोई भी नज़दीकी DC ऑफिस आप चले जाओ और वहाँ से ये ILP आप ले लो। तो सिक्योरिटी चेकिंग हमारा हो गया, अभी तो हम निकल पड़ेंगे नागालैंड के लिए और हर ट्रिप की तरह आशा करता हूँ ये ट्रिप भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा और वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स होगा ये। आप लोग भी दुआ कीजिए। तो फ्लाइट हमारा टेक ऑफ हो चुका है और ये जो 1 घंटा हमको ट्रैवल करना पड़ेगा ये बहुत ही बोरिंग टाइम होता है मेरे लिए फ़्लाइट में। और एयर इंडिया का फ़्लाइट है, लास्ट जो हम ट्रैवल किए थे मेघालय, उसी तरह इस बार भी हमने एयर इंडिया ही सिलेक्ट किया है। और आ गया है हमारा जलपान, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक फ्रूटी का पैकेट दिया गया है और ये है एक सैंडविच और ये है पानी का बोतल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है दीमापुर हवाई अड्डे पर। पहुंच चुके हैं हम नागालैंड एंड अभी बज रहा है 2 PM, तो हमें लगभग लगा है 2 आवर्स लगभग। अभी हम यहाँ से निकल के फिर जाएंगे होटल। होटल में चेक इन करने के बाद जितना हो सके आज हम दीमापुर जो शहर है वो थोड़ा घूम लेंगे, क्योंकि कल हम यहाँ से चले जाएंगे कोहिमा। और यहाँ पे आप नज़ारा जो है वो देखिए, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं जब नेट पे चेक कर रहा था तब मुझे दिखा रहा था कि यहाँ पे थंडरिंग एंड बारिश हो रहा है, मगर आज थोड़ा क्लाउडी है मगर बारिश तो हो नहीं रहा है। तो आई होप रेस्ट ऑफ द डे ऐसा ही रहे। अरे रुक जा भाई। दोस्तों एयरपोर्ट से बाहर हम आ चुके हैं और अभी हम लेंगे यहाँ से कैब। हमारा जो होटल है वो है पुराना बाज़ार में, जो यहाँ से नज़दीक नहीं है मगर यहाँ पे कैब चार्जेस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो दीमापुर का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। अगर आप में से कोई बागडोगरा एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग, तो वो अगर आपने विज़िट किया है तो आपको सिमिलर सा एयरपोर्ट लगेगा यहाँ पर भी। होटल और रास्ता जो है वो बहुत ही ख़राब है और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मास्क पहना हुआ था हमने। दोस्तों आ चुके हैं हम हमारा होटल और चेक इन भी हो गया है और रूम भी अलॉट हो गया है। 302 ये है मेरा रूम। छोटा सा रूम है मगर अच्छा है और यहाँ पे कुर्सियाँ लगा हुआ है, आप बैठ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ बाहर है दीमापुर शहर।
दोस्तों रास्ते का जो हालत मुझे नज़र आ रहा है अभी, तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि शायद जो रोड मैप मैंने बनाया था, कौन सा जगह घूमना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को जाना है, तो उसमें शायद मुझे थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। आज फ़िलहाल डीमापुर शहर में हमको रहना है और डीमापुर का कुछ जगह जैसे कचोरी रुइंस, रिजर्व फॉरेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो जगह आज हमको घूमना है। तो पहले फटाफट फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद लंच कर लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। ओके चलिए दोस्तों, फ्रेश हम हो चुके हैं और अभी लंच भी आ गया है यहाँ पे। तो लंच करने के बाद हम निकल जाएंगे घूमने के लिए डीमापुर शहर। और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के होम स्टे में रहना चाहिए, और इस बार हम होटल क्यों सिलेक्ट किए, है ना दोस्तों? बजट जो है वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो होम स्टे डीमापुर में मुझे सस्ता मिल नहीं रहा था। और ये जो होटल था ये बहुत ही नज़दीक था एयरपोर्ट से और इसका नाम है होटल सेफ टावर। तो 1200 रुपए में मुझे ये होटल मिल गया जो मुझे सस्ता लगा एयरपोर्ट के बगल में, तो फिर मैं सिलेक्ट कर लिया। कल हम रहेंगे होम स्टे में। और ये है हमारा आज का लंच, ये है राइस, ये दाल, ये फिश एंड ये शायद मिक्स वेज या ऐसा कुछ होगा। दोस्तों ये है होटल का पीछे वाला हिस्सा, और प्लानिंग तो ये था कि लंच करने के बाद हम निकल जाएंगे दिमापुर शहर को देखने के लिए। यहाँ पे कचोरी रुइंस एंड एक रिजर्व फॉरेस्ट है वो देखना था आज हमें, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे कोहिमा के लिए। मगर इस बारिश में कैसे निकलेंगे, क्योंकि धुआंधार बारिश हो रहा है अभी। अगर थोड़ा बहुत भी होता तो हम निकल जाते। खैर छोड़िए, अभी यहाँ पे होटल में बैठ के जो बारिश है इसी का मज़ा लेते हैं, है ना दोस्तों? बारिश बहुत ज़ोर का हो रहा है, मगर हम लोग घर में बैठ के ऐसा बारिश देखने वालों में से है नहीं। अरे भाई मेरा हुआ है, जंप करना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए हम निकल पड़े हैं। अभी यहाँ से ऑटो लेंगे और जाएंगे कचोरी रुइन देखने के लिए। दोस्तों का जो माइक है वो मैंने खोल दिया है, तो इसीलिए आपको जो साउंड है वो थोड़ा शायद ख़राब आ सकता है, तो उसके लिए सॉरी ना, बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर। अभी एक ऑटो मिल गया है हमको कचोरी रुइंस जाने के लिए। एक्चुअली लोकल लोग शायद ये जगह जो है कचोरी रुइंस उसको शायद कोई अलग नाम से वो जानते हैं, इसीलिए समझाना पड़ा मुझे, गूगल से फ़ोटो निकाल के फिर उसको दिखाना पड़ा कि ये जगह है जो हमको जाना है। फिर उसके बाद भाई साहब समझ गए और अभी हम जा रहे हैं कचोरी रुइंस। बाहर बहुत बारिश हो रहा है अभी। दोस्तों शायद प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ा गलती हो रहा था। एक्चुअली इस जगह का नाम है कचारी रुइंस, ठीक है? तो कचारी जो राजा था यहाँ का पहले नागालैंड में, ओहम डायनेस्टी के आने से पहले, तो उन लोगों ने बनाया था एक मशरूम शेप का, मैं आपको दिखाऊंगा ये मशरूम शेप का ये जो भी है स्ट्रक्चर्स। तो ये पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर जगह है, मगर पता नहीं क्यों लोगों को, मतलब लोकल लोग जो है यहाँ का, उन लोगों को इतना पता नहीं है इस जगह के बारे में। और ये जो गेट था ये भी बंद हो चुका था, तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया यहाँ का जो गेट कीपर था उनको, तो उन्होंने फिर ये जो लॉक है वो खोल दिया, ठीक है? और अभी हम इसको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ मैंने बोला कि हाँ भैया इतना बारिश में आए हैं, देखेंगे थोड़ा फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अरे यार कचारी डायनेस्टी, मतलब कि ओहम डायनेस्टी से भी पहले कोई किंगडम था यहाँ पे, उन्होंने बनाया है ये। एकदम जंगल हो गया है ये जगह। मेरा जो गांव है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे ऐसा जो है पौधा ये बहुत मिलता है। और दो तीन जगह है जो आप दिमापुर शहर में जा सकते हो, जैसे एक है कुकीडलोंग विलेज और रांगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट, तो वो शायद आज हम नहीं जा पाएंगे। देखते हैं कल कोहिमा जाने के टाइम में अगर हो सके तो उस जगह को विजिट करके फिर उसके बाद निकल जाएंगे कोनहोमा ग्रीन विलेज के लिए, जो है एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज। और ये है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। दोस्तों कचारी घूम के अभी आ गए हम होटल में, आज का और कोई प्लान तो है नहीं, और कल सुबह हम निकल जाएंगे कोनहोमा ग्रीन विलेज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल
माने के नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. ये जो वैली है यहाँ पे किया जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम चाश या झूम कल्टीवेशन. बहुत सारा जो पेड़ है यहाँ पे ये एकदम सूख चुका है. ईयर इज टू कम आउट ना. व्हाट ईयर? दोस्तों रास्ते में हम जा रहे थे और इसमें रास्ते में हमको मिल गया एक हाथी, जंगली हाथी. इट वॉज एन एडवेंचर एंड एन अमेजिंग ट्रिक.